मसाला बहुत अच्छा है जिसकी वजह से इसका टेस्ट और अच्छा हो गया। क्या फ्राई होगी ये, क्या कॉर्न फ्राई चाट बोलते भी इसे? कॉर्न फ्राई बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है। क्रिस्पी कॉर्न आपने खाए होंगे, चिली कॉर्न खाए होंगे, कॉर्न फ्राई चाट खाइए कभी, कमेंट करके बताओ जरा ये कौन सा मसाला डाला दिया। तो भाई आज आ गए हैं हम हालू बाज़ार के अंदर भिवानी में, बहुत ही स्पेशल चीज़ खाने जो कि है बहुत ही ज़्यादा मशहूर। सामने ही पड़ती है भाई टिल्लू मक्का पैलेस, और टिल्लू मक्का पैलेस में क्या मिलता है स्पेशल, चल के ले जाते हैं आपको और दिखाते हैं क्या क्या मिलता है स्पेशल। यहाँ पे मिलता है स्पाइरल पनीर मक्का जो कि 20-30 रुपये की है, और फ्राई मक्का मिलता है जो कि है 30 रुपये की प्लेट। तो भाई मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे भरी हुई चलती है तो पार्किंग वगैरह की थोड़ा दिक्कत है, बाकी ऑल द ये बताते हैं कि बहुत अच्छी आइटम है यहाँ की और बहुत फेमस है भिवानी के अंदर। तो चलिए चल के लगवाते हैं और ट्राई करते हैं। पनीर फ्राई हो गई आपकी, और दूसरी आइटम क्या आपके पास में? दूसरी मक्का फ्राई। मक्का फ्राई, ये मक्का फ्राई है। अच्छा ये मक्का फ्राई बनाने जा रहे हो अभी, चलिए भैया बना के दिखाइए मक्का फ्राई कैसे बनाते हैं आप। ये बटर कौन सा यूज करते हो भैया? बटर अमूल का और डिलीशियस। अमूल और डिलीशियस दोनों यूज करते हो। तो दोस्तों ये बनने जा रही है कॉर्न फ्राई चाट, कितने रुपए से शुरू हो जाती है भैया ये? 30 रुपए प्लेट। तो भाई ये है कॉर्न फ्राई चाट जिसमें डल चुके हैं बटर, प्याज, टमाटर, और इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे भैया बढ़िया से तवे पे, चटकेदार मसालेदार बनते हैं भैया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल मसालेदार, क्या बात है भाई। तो बंद गोभी आ चुकी है इसके ऊपर, और ये पनीर आ गया भैया इस पे। तो भाई बढ़िया से भैया पनीर भी डाल करके बना रहे हैं इसे, देखते कैसे बनता। तो भी एक बार अंदर का नज़ारा दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये देखो भाई ये लगे हुए हैं कॉर्न, ये कॉर्न की पूरी बाल्टी है भैया की, पतीला सा एक, और ये बाहर आ गए, ये कॉर्न फ्राई होगी, ये क्या कॉर्न फ्राई चाट बोलते हो भैया इसे? कॉर्न फ्राई, बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है। क्रिस्पी कॉर्न आपने खाए होंगे, चिली कॉर्न खाए होंगे, कॉर्न फ्राई चाट खाइए कभी, कमेंट करके बताओ जरा ये कौन सा मसाला डाला भैया? ये मक्के का स्पेशल मसाला है। मक्के का स्पेशल मसाला, अजवाइन भी मिक्स है। अच्छा, और अब क्या ये क्या भी है इसमें? सारे एमडीएच के मसाले, सारे ये एमडीएच का मसाला, कौन सा भी है ये? चाट मसाला है? हाँ ये चाट मसाला बोल रहे हैं, एमडीएच के रोस्टर जो हमारे मसाले होते हैं वो है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया भैया ये काम करते हुए आपको? ये 53 साल। 53 साल से ही आप कर रहे हो? मेरे दादाजी पिताजी। अब अच्छा, तो थर्ड जनरेशन काम कर रही है आपकी? हाँ थर्ड जनरेशन ला रहे हैं। 53 ईयर्स पुरानी दुकान है और तीसरी पीढ़ी काम कर रही है इनकी, और अब आ गया देश की पसंद मैगी मसाला, वाह। क्या बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि YouTube बन रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये मक्का बन रही है, ये रेगुलरी कस्टमरों के लिए भी यही चीज़ है, जो नहीं अच्छा। कि आपके लिए है दिखाने के लिए। अच्छा, रेगुलर कस्टमरों को यही टेस्ट मिलेगा जैसे आपको मिलेगा। हाँ, तो 30 रुपये से स्टार्टिंग का प्राइस है और मैक्सिमम कितना जाता है? ऐसे है न्यू फिलहाल तो अभी हमारे पास 30 रुपये प्लेट के हिसाब से है, लेकिन अब न्यू इन्वेंशन हमने थोड़े दिनों बाद लॉन्च करी है सोमवार से, ठीक है, और उसके अंदर हम अपनी शाही मक्का, मक्खन मलाई मक्का और फ्राइड मक्का और डाइट मक्का, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग 4-5 हमने आइटम अपने एक्सप्लेन करके बनाए हैं इसके अंदर, और रेड पास्ता, वाइट पास्ता, ग्रेवी पास्ता और स्वीट कॉर्न मैगी, मैक्रोनी, बस अभी अवेलेबल फिलहाल करें हैं। क्या होगा आगे आगे जैसे आपको भैया ने ला करके रखे हैं? एक तो सिंपल इस रेड पास्ता, वाइट पास्ता जैसे बनता है वैसे उसको मैक्रोनी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अच्छा, मैक्रोनी ही बनाते हैं। ओके, तो कस्टमर की डिमांड रहती है मैक्रोनी है, वो मैक्रोनी फ्राई करके बनाते हो? हाँ हाँ हाँ, वो मैक्रोनी फ्राई हो जाती है जैसे यहाँ पे कॉर्न है उसमें मैक्रोनी रिप्लेस हो जाती है। तो भाई ये लग चुकी है प्लेट और प्लेट रेडी हो गई है, ये है 30 रुपये की प्लेट जिसके अंदर पनीर वनीर डाल करके बढ़िया से बनाते हैं भैया जी। और भैया कोई और ब्रांच भी आपकी? हाँ इस नाम से हमारी 5 ब्रांच है भैया। 5 ब्रांच है भिवानी के अंदर ही, कहाँ कहाँ पे जरा बता दो ये? एक तो हो गया सीनियर स्कूल के पास। अच्छा, एक कृष्णा कॉलोनी में। अच्छा, एक हासी गेट,
एक अपना हालू बाजार में, हालू बाजार में और फड़िया पाना उसके पास। अच्छा, और आप कहाँ पे, कौन सी वाली ब्रांच में हो अभी? अभी फिलहाल ये हालू बाजार में है, प्यारे लाल हलवाई की शॉप के पास, निंजा हलवाई के सामने, मतलब कि किसी से भी पूछ लेना। क्या बात है भाई, तो ये देखो भाई 30 रुपए में मात्र, बहुत ही बढ़िया जायका, और ये पैकिंग कर देते हैं। ये ओरिगानो ऊपर से मैं डालने वाला, ये ओरिगानो भी आ गया भाई, ये देखो बिल्कुल देसी वाला जबरदस्त। बढ़िया लगा जी, जबरदस्त। आपकी वाली कौन सी थी? ये वाली प्लेट कौन सी थी? ये बिना फ्राई की थी? ये विदाउट फ्राई थी, ये 10 रुपए में मात्र। मजेदार मजेदार, दिल खुश हो गया। ओह क्या बात है। तो भाई गर्मा गर्म यहाँ पे बनाते हैं। एक बार में भैया कितनी प्लेट निकालते हो इस तवे से? अरे कस्टमर के अकॉर्डिंग ही है, यूँ नहीं कि 4 कस्टमर खड़े हैं तो 20 प्लेट बना दी। हाँ, कस्टमर खड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। क्या बात है भाई, ये देखो ये है ऑनेस्टी, फ्रेश तरीके से, मतलब ओनियन वगैरह सब कुछ हाथों हाथी निकाल के काटते हैं, नहीं कटे हुए उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो। हाँ हाँ, तो हाथ ही क्लीन करके डालते। बढ़िया भैया बढ़िया। तो ये मेयोनीज डालने के बाद में ही पनीर डालते हो आप? ये कोई स्पेशल टाइप की है भैया? नहीं नहीं, ये वही है जो आप पैक करके दीजिए, ये वही है, ये आप ही के लिए है सिर्फ, ओनली फॉर। क्या बात है भाई, ये देखो ये सिर्फ 30 रुपए में हर एक कस्टमर को ऐसी मिलेगी। 30 रुपए की नहीं, ये ओनली फॉर, ये हमारे लिए 30 रुपए में लग रही है, बाकी वैसे ही कितने रुपए की है? ये अनमोल है, अनमोल है, ये अनमोल है भाई। लेकिन प्राइस तो बता दो, कल वो किसी को खाने का मन करे तो फिर। हाँ, किसी को खाने का मन करेगा तो टेस्टिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। मोस्ट वेलकम। क्या बात है, 100 में से 2 कस्टमरों को राजी रखते हैं। क्या बात है। तो भैया चलिए चलिए करते हैं इसे टेस्ट और लगाते हैं स्वाद, मात्र 30 रुपए में कॉर्न फ्राई चाट, मेयोनीज डाल करके, पनीर डाल करके, हालू बाजार के अंदर। चलिए चल के करते हैं ट्राई, ये बहुत जज्बेदार। चलिए भैया खा के दिखाइए आप हमें और बताइए कैसा है टेस्ट। बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अंदर जो कॉर्न का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और मसाला बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और अच्छा हो गया। क्या बात है भाई, ये देखो टेस्टिंग हो रही है स्कूटी पे बैठ करके मज़े से। चलिए भाई आप लोग भी आइए, ट्राई करिए हालू बाज़ार के अंदर, वहाँ पे उल्लू मक्का पैलेस।